राकेश जी के मेरे दोस्त हैं, बढ़िया दोस्त हैं, चंडीगढ़ में आते हैं, मेरे घर आते हैं, और बड़े चौधरी साहब टीके साहब थे तब भी, वो भी आते थे। पर जो मैं कहना चाह रहा है, जिस टाइम ये किसान बिल लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, राकेश टिकैत जी की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि आज मेरे पिताजी सारी जिंदगी यही तो सब कुछ इसके लिए तो संघर्ष करते रहे, किसान की आय दुगनी हो, किसान को जो उसकी जिन्नत है, जो उसकी फसल है, उसको उसका पूरा पैसा मिले, अतः इसके लिए मेरे पिताजी सारी जिंदगी लड़ते रहे और आज मेरे पिताजी स्वर्ग में उनकी आत्मा को शांति मिली। ये राकेश टिकैत जी का बयान है। सरकार जो निर्णय लेती है, और सरकार निर्णय लेने के बाद जो पीछे हटेगी सरकार, तो मजाक बन जाएगा। हमने थोड़े उनको छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने खुद छोड़ा, और अपनी राजनीति की वजह से उन्होंने छोड़ा। कुल ये भी मैं आपको बताऊं, अकाली दल तो भारतीय जनता पार्टी का, बड़े बादल साहब कहते थे कि खून और मांस का रिश्ता है। बड़े बादल साहब कहते कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, राजनीतिक रिश्ता नहीं था हमारा उनके साथ, एक आत्मीय संबंध थे, विश्वास का संबंध था। अब उनकी मजबूरी है, मजबूरी के कारण छोड़ करके चले। चुनाव हो जाएगा दिसंबर में, उसके बाद जब रिजल्ट आए वो सारी चीज़ें सामने नहीं जी, रिजल्ट पहले आ रहे हैं जी, सुबह थोड़े पिंडों के प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है जी। वे वे लीडर की आने की आमद के कई तो आते ही, कई वैसे मना कर देते, वो विरोध तो चल ही रहे लोग नाल जी। चलो सिख वोटर जोड़े है पिंड वाले लगते थोड़े नाल नहीं, जो किसान थोड़े नाल नहीं जो विरोध कर रहे हैं। ये सारी जो कंपेन है, जो सारी मूवमेंट है, इसके पीछे कम्युनिस्ट हेडा प्रदर्शन पाल कौन सा किसान है, किसानों की मांगों में कह रहे, जब बैठक हो रही उसमें डॉक्टर वरवरा राव को कह रहे जी और उनके इसको भी रिहा करो जी, ये किसानों की मांग है क्या? खरी पगड़ी है और गले में ये हरा साफा डाल कर करके, वो सब कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग हैं। चंडीगढ़ के किसानों के मुद्दे ने कलैक्टर रेट है, लाल डोरी की रेट बढ़ा दिया 10% हो सर, 13 पिंडों के पंचायत खत्म हो गई, ठीक है जी। उदू बाद पेंडू विकास कमेटियां बनाई, उन्हों की रिपोर्ट के आधार पर या उन्होंने दसन के आधार पर तुम्हें की किया, उस पिंड कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 5 साल तो हो गए, 5 साल होने वाले हैं, तुम मैं दसो 23 पिंडों को कौन मॉडल पिंड बनाया, जो दुनिया का मॉडल मॉडल शहर है चंडीगढ़। मॉडल पिंड की गल करते हो, बनते सी बनते बनते रह गए, बट तुम डड्डू मार रहे, डड्डू मार रहा डंपिंग करो। ये लोग थे ना पंचायतें तोड़ने वाले, तो कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने पंचायतें तोड़ी। सुभाष चावड़ा भाई साहब सुन लो, आप सुन लो, 95 में कौन थे, 95 के में सांसद कौन थे यहाँ, 95 में भाई साहब, ना आप बात करो, पुरानी बात करो। सत्ता आया अपन 4.5 साल के करीब हो गए, हूँ आप अपने हिस्से का वो किन्ने बारी गल होगी पर नहीं हो। स्काईनेट पंजाब देख रहे दर्शकों, सत श्री अकाल। चोणा दे नेड़े साडे आ लैके मैं हाजिर हाँ आर एस लिबरेट। चंडीगढ़ कारपोरेशन दीआं चोणां नेड़े ने, चुनावी साल होण करके सारियां पार्टियां लोकां तिकर अपनियां नीतियां पहुँचाउण च लगी होईआं ने। चंडीगढ़ भाजपा की टोटल भाजपा पार्टी नूं देश तों लैके हर स्टेट दे विच किसान अंदोलन करके बहुत वड्डी चुनौती है। इस दे मद्देनज़र चंडीगढ़ कारपोरेशन दे विच जो चंडीगढ़ की विधानसभा भी कहा जा सकता है, उस नूं लैके चंडीगढ़ भाजपा दीआं की चारां जोईआं ने, उन्हां दे सीनियर लीडर श्री रामवीर पट्टी जी चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश के सकत्तर ने साडे नाल ने, आओ चंडीगढ़ भाजपा दीआं की नीतां रहणगीआं उन्हां नाल गल करदे। रामवीर पट्टी जी, स्काई न्यूज़ पंजाब चैनल ते तुहाडा स्वागत है। चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन का चुनावी साल है, चंडीगढ़ भाजपा किसान विरोध के मुकाबले चंडीगढ़ के आपदे आप किस स्थान पर रखती है? तो सबको जो स्काई न्यूज आपका चैनल है, इसने मेरा जो इंटरव्यू के लिए आपका धन्यवाद, और जो सब दर्शक इसको देख रहे हैं देखेंगे उन सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। तो अभी जो आपने कॉर्पोरेशन के चुनाव की बात की, जो कॉर्पोरेशन का चुनाव है दिसंबर में ड्यू है, और जो इस बार पिछली बार 26 वार्ड थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, इस बार 35 वार्ड हैं
35 वार्ड म्यूनसिपल कारपोरेशन के हैं, और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी बहुत ज़बरदस्त बहुमत के साथ उसी टाइम आप किसान आंदोलन की बात कर रहे, ऐसे ही जो जो डी ये मोनेटाइजेशन का हुआ था, नोटबंदी हुआ था, उसके बाद जो चुनाव पहला हुआ था, जो पहला चुनाव कहीं देश के अंदर हुआ था वो चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का था, और उसमें ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी 26 में से 22 सीटें लड़ी थी, जो अपना सहयोगिता 4 सीटें उनको दी थी, तो उसमें से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और इस बार भी ऐसे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोगों का प्यार प्रेम है, जो सेवा का भाव है, भारतीय जनता पार्टी पार्टी तो ज़रूर है पर एक परिवार की तरह, परिवार की तरह है। जो पिछले साल भी जो लॉकडाउन शहर में रहा, इस बार भी लॉकडाउन शहर में लगा, और कोई भी मुद्दा हर मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में हैं, और बिना दाग के किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई किसी किस्म का दाग नहीं है, और किसी के किस्म का कार्य कोई दाग है नहीं। इसलिए पिछले 5 साल चंडीगढ़ की जनता ने सेवा का मौका दिया था, इस बार फिर चंडीगढ़ की जनता। इस बार थोड़े ना दो चुनौतियां ने, एक तो भाईवाल पार्टी है जी अकाली दल, वो थोड़े ना वक्री हो गई है, ओदा आधार ये सीगा कि तुसी किसानां नूं लांभे रख के एक कानून बनाया खेती कानून जिन्हां दा विरोध चल रहा, ओदा प्रभाव चंडीगढ़ च भी है। हुण तुसी 13 पिंड जिहड़े शामिल होए ने वो लगभग किसानी नूं रिप्रजेंट करदे, ते वो 9 वार्डां दे विच तुहाडा की दार रहेगा, तुसी किवें निजिठोगे इस गल नूं? ऐसा है जो आपने कहा कि जो अपना जो भाईवाल पार्टी अकाली दल की आपने बात की, अकाली दल की जो बात की आपने, हमने थोड़े उनको छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने खुद छोड़ा, और अपनी राजनीति की वजह से उन्होंने छोड़ा कुल, ये भी मैं आपको बताऊं, कोई किसी किस्म का उनके पास वो नहीं तर्क है कि जिस वजह से छोड़ा, कुल क्या राजनीति उनकी प्रभावित हो रही थी इसलिए उन्होंने छोड़ा। जितनी भी आप बात जितनी बात सुनो, केंद्र में मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल जी, जितनी बैठकें हुई, चाहे सर्वदलीय बैठक हो, चाहे जो एनडीए की बैठक हो, चाहे मंत्रिमंडल की बैठक हो, हर बैठक में मैडम कैबिनेट मंत्री थी, हर बैठक में वो जाती थी। किसान के जो ये कानून बना, जब ये बिल प्रपोज होना था उससे पहले हर कानून में उन्होंने बहुत अच्छा है, किसानों के हक में, किसानों के फेवर में, तो तब तो उन्होंने सारी चीज़ों का समर्थन किया था, सुखबीर बादल जी ने समर्थन किया था। इवन आज किसानों का जो मेरे तो मित्र हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, राकेश टिकैत मेरे दोस्त हैं, बढ़िया दोस्त हैं, चंडीगढ़ में आते हैं, मेरे घर आते हैं, और बड़े चौधरी साहब टिकैत साहब थे तब भी वो भी आते थे। पर जो मैं कहना चाह रहा है, जिस टाइम ये किसान बिल लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, राकेश टिकैत जी की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि आज मेरे पिताजी सारी जिंदगी यही तो सब कुछ इसके लिए तो संघर्ष करते रहे, किसान की आय दुगनी हो, किसान को जो उसकी जिन्नस है, जो उसकी फसल है, उसको उसका पूरा पैसा मिले, अत इसके लिए मेरे पिताजी सारी जिंदगी लड़ते रहे, और आज मेरे पिताजी स्वर्ग में उनकी आत्मा को शांति मिली। ये राकेश टिकैत जी का बयान। चलो टिकैत जी का है, मैं बात कर रहा हूँ आपके अकाली दल की। जैसे आप बोल रहे हो कि उहदे च राज्यसभा च उन्होंने किया आर्डीनेंस वेले कोई विरोध नहीं किया, बट उन्हां दे प्रतिनिधि नाल मेरी गल हुई है, उन्होंने ओपन तौर पर कहा है कि पहला जो कमेटी दे च बैठकां हुंदियां सी उन्होंने काब दा पक्ष रखा सी कुछ चीज़ां सोधो, पर उन्होंने वादा किया जो लोकसभा च पेश किया उदू वह गल नहीं मनिया गई, इस करके असं वापस ले लिया। नहीं, ऐसा मैं तो ऐसा मानता नहीं कि मैं ये बात नहीं मानता, ये तो खाली अब जब लग्या उनको जो किसान आंदोलन है पंजाब में इसका विरोध हुआ, बिल्कुल ठीक है, जो बिल थे उसके बाद कानून बने पंजाब में, जिस टाइम विरोध हुआ, और जो अकाली दल है उसकी राजनीति पंजाब में राजनीति है, पिंडा में उनकी राजनीति है, देखा कि यहाँ पर तो विरोध हो रहा, उन्होंने तब विरोध किया, जहाँ तक आपने संशोधन की बात करी, संशोधन तो सरकार ने इतनी बार 10-11 बार जो आज किसान नेता 30-32 जो जत्थेबंदियाँ आज दिल्ली के अंदर धरना दे रही, उन सबको भी बुलाया बुलाया करके बार बार कहा, जितनी बार भी केंद्रीय कृषि मंत्री जी अपने नरेंद्र तोमर जी थे, पंजाब के अपने सोम प्रकाश जी थे, या रेल मंत्री पीयूष जी थे, जितनी बार भी बातचीत हुई,
और जितनी बार बातचीत हुई, इवन देश के गृह मंत्री भाई अमित भाई शाह जी, उन्होंने अपने घर जो 6-7 इनके किसान जो आगू थे, जो इनके प्रतिनिधि, उनको बुलाया, उनको कहा एक बार थोड़ा ही, 70 बार देश के संविधान में संशोधन हो चुका है, आपको लगता है इसमें कुछ चीख नहीं है, मैं लिख करके दे दूँ, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। और अकाली दल तो भारतीय जनता पार्टी का, बड़े बादल साहब कहते थे कि खून और मांस का रिश्ता है, बड़े बादल साहब कहते हैं कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं था हमारा इनके साथ, एक आत्मीय संबंध थे, विश्वास का संबंध था। अब उनकी मजबूरी है, मजबूरी के कारण छोड़ करके चले गए। चलो तुहाडा कहने का मतलब कि सियासी मुफाजा करके तुहाडे तो वक्खरी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कितने ना कि जेडे अपने 9 पिंड ने, यानी 13 पिंड जो शामिल हो, 9 तो पुराने सके, 13 पिंडा दे विच कितने ना कि किसानी नू रिप्रजेंट करते, उत्थे सिख वोट ज्यादा। तुसीं इन्हां इस 26 वार्ड पहले 9 हुण हो गए, तीसरा हिस्सा हो गया जी उहदा, ते तुसीं इत्थे किवें देखदे हो आपदे आप दा स्थान? जब चुनाव आएगा, चुनाव हो जाएगा दिसंबर में, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा वो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। नहीं, रिजल्ट पहला आ रहे हैं जी, सुनो, नहीं तो अड्डे पिंडां दे विच प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है जी, वड्डे वड्डे लीडर दी आउण दी आमद दे विच, कई तो आउंदे ही नहीं, कईआं नूं पैसे मना कर दिंदे, वो विरोध तो चल ही रहा, फिर तो हो ही रहा, उसका कोई इनकार थोड़ा है, विरोध तो हो रहा, पर जिस टाइम चुनाव होगा, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ, प्रदेश के जो लीडरशिप है, चाहे उसमें अरुण सूद जी हों, चाहे संजय टंडन जी हों, लोगों का हर टाइम ये कुछ काम ऐसे होते हैं, आप भी समझते हो इस बात को, कि आदमी के जाति संबंध एक चीज़ है और पॉलिटिकल दिखावा एक दूसरी चीज़ है। तो जब चुनाव होगा तो जो पार्टी के प्रतिनिधि होंगे, जिनको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो सेवा है, आपका जिहड़ा सियासी नुक्ता है, चोणां दे नेड़े खोलूंगे, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਤੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪਿੰਡਾਂ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋਜਰਾਮੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 26 'ਚੋਂ 9 ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਬਾਤ, ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕੋ ਕੀ, ਤੋ ਹਮ ਲੋਕੋ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। एक भी मुझे आप ये बता दो, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता छोड़ करके गया क्या? जो सिख थे या नॉन सिख हैं, सारे के सारे आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े। कहाँ पर नहीं खड़े बताओ मुझे? सारे पिंडा में खड़े, अब सारे पिंडा में अपने कार्यकर्ता को छोड़ करके थोड़ा अपनों को जा रहा, सबके सब लोग अपने साथ हैं। और आप एक बात और मैं कहूँ, ठीक है, यहाँ गांव है अपने 23 गांव हैं, 22 पंचायतें थी, अभी 12 पंचायतें, 13 गांव थे ही, लोकल जो लोग हैं उनकी भी पूरा का पूरा हमारे साथ कोई जाति, किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, अक उनका कोई जाति विरोध नहीं है, अक जाति विरोध नहीं है, ठीक है, कोई एक मुद्दा है उनको नहीं पसंद आ रहा, और सरकार तो बार बार, और मोदी जी बार बार, देश के कृषि मंत्री बार बार कह रहे आओ ना बैठो बात करो ना, अक मोदी जी ने पिछले बार मन की बात में कह रहा एक कौली तो दूर हूँ मैं किसानों से बाहर कहाँ पर हूँ, किसानों से दूर कहाँ पर हूँ। और दूसरी एक बात मैं कहूँ, देखो अब ये 7 साल, अक इस 7 साल इस सरकार को बने हो गए, 7 साल में, अक 7 साल के अंदर एक भी मैं नहीं मानता कि जनविरोधी फैसले हैं। आप धारा 370 की बात करो, CAA की बात करो, और जितने 3 तलाक की बात करो, जितने भी बात करो, इस सरकार जो निर्णय लेती है, सरकार निर्णय लेने के बाद जो पीछे हटेगी सरकार, तो मजाक बन जाएगा। संशोधन 70 बार हो चुका है, जिस दिन तक देश का संविधान लागू है, अभी भी कहाँ मना कर रहे, अभी मना कहाँ कर रहे। पर दिक्कत एक बात की है, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, अब जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, दिल्ली में बातचीत करने के लिए जाते हैं, दिल्ली में बातचीत सरकार के साथ, 26 जनवरी के बाद तो चलो कोई बातचीत हो ही नहीं, उससे पहले जितनी बार बातचीत करने के लिए गए, तो वे हर बार कह कह के आ जाते हैं, ठीक है जी, ये भी मंजूर, पर फाइनल फैसला हम बाद में बताएंगे, बाद में कौन बताएंगे जी? चलो, आप मेरी बात आप पूरी सुनो, वहाँ पर किसान बिल्कुल ठीक है, कोई इनकार नहीं है, किसान वहाँ बैठे हैं, उस बात से भी कोई इनकार नहीं, चला कौन रहा उनको?
ये सारी जो कंपेन है, जो सारी मूवमेंट है, इसके पीछे कम्युनिस्ट है। डॉक्टर दर्शनपाल कौन सा किसान है? किसानों की मांगों में कह रहे, जब बैठक हो रही इसमें डॉक्टर वरवरा राव को कह रहे जी कि इसको भी रिहा करो जी, ये किसानों की मांग है क्या? अब किसानों की मांग है ये? ऐसे ऐसे वाहियात बातें हैं जो ये कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट आज कंधा किसान का है, कंधा किसान का है, और जो कम्युनिस्ट और पंजाब के अंदर कांग्रेस, पंजाब के अंदर कांग्रेस, पंजाब के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता को कौन विरोध कर रहा है मुझे बताओ? अक विरोध कौन कर रहे? कांग्रेस के लोग कर रहे क्या? पंजाब की गल कर दे, नारंग के कपड़े तक पाड़ दिते गए, जबरदस्त विरोध, जबरदस्त कौन कर रहा? कौन कर रहा? हरी पगड़ी है, खरी पगड़ी है और गले में ये हरा साफा डाल कर करके, वो सब कांग्रेस और कम्युनिस्ट लोग हैं। जो किसान है, किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे हरित क्रांति की बात हो, किसान ही तो लेकर का इस देश में। और आज किसान जो है, किसान है, किसान अन्नदाता है। आज किसान का बेटा, जितना आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके अंदर किसान का बेटा ही तो है। किसान का बेटा जो इस देश की सरहद कर, सरहद पर रक्षा कर रहा, किसान का बेटा कर रहा, जो पेट भर रहा तो किसान भर रहा। किसान कभी कैसे ये ओछी हरकत है? चंडीगढ़ के चौरस्तिया शाम घंटा घंटा झंडी लेके खड़ता, कौन खड़ता? दूसरी पार्टियां के लोग ने। हाँ, किसान खड़े देने सारे। सुनो सुनो, उसमें कुछ लोग किसान है, हाँ जी, कुछ लोग किसान है, कोई इनकार नहीं है। कुछ लोग किसान है, किसान चौदेवलाल क्या करते थे? असली किसान तो है जो हल चलते थे, जिसको हथेली बोलते थे, हथेली पकड़ने का तो पता नहीं। आज के हथेली के बजाय ट्रैक्टर आ गए, चार चक्कर के खेत के अंदर ट्रैक्टर चला कर लगा नहीं सकते। कौन है वो लोग? वो एक भड़कार, एक भड़कार है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, किसान चुनिंदा किसान है उसमें, बस वो भी एक विरोधी धिराएं कर रही है। किसानों के मसले बड़े घट नहीं, थोड़ा कहने का मतलब यही है, ठीक है जी। हुण गल तो यह है ना, जिहड़ा प्रभाव देश दे विच बणिया वह प्रभाव कितने कितने चंडीगढ़ च भी है ना? बिल्कुल है, इससे कोई इनकार नहीं है ना जी। प्रभाव है, यही तो सवाल है। प्रभाव है, प्रभाव है। आपको बिहार के अंदर कह रहे थे कि बिहार के अंदर भी चुनाव था, चुनाव से होया जिस टाइम कानून तो ये उसमें आ गया था, उस टाइम पास हो गया था, राज्यसभा लोकसभा में पास हो गया था। वहां भी कह रहे थे कल किसान आंदोलन का असर है। क्या असर है किसान आंदोलन का? सरकार आज वहां पर बनी, सरकार चल रही वहां पर। और अभी पश्चिम बंगाल के अंदर देख लेना, 2 तारीख का जिस दिन रिजल्ट होगा, बाकी 5 स्टेट, अब जो 5 स्टेट में देख लेना, आज जो कांग्रेस खेल खेल रही है, आज कांग्रेस जो खेल खेल रही है, सिर्फ क्या कि उनका कोई वजूद नहीं है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है उनके। आज किसान का कंधा मिल गया उनको, किसान का आज कंधा उनको मिल गया। और कहीं पर किसान बताओ व्यक्तिगत कहां से करते हो? व्यक्तिगत ऐसी सी बातें कही जा रही, किसान कभी ऐसी बात नहीं करता। ये लोग अपनी गल मान ली, तुहाडी गल मानदे हैं, तुसीं कहने विरोधी तरह हैगे तुहाडे हिसाब नाल, चलो ये भी मान लीए। तो फिर तुसीं मैनूं ये दसो, चंडीगढ़ दे विच किसानां दे मुद्दे ने, कलैक्टर रेट है, लाल डोरी दी समस्या, कलैक्टर रेट बढ़ा दिया 10% मेरी आज से पहले जो जो यहाँ पर 15 साल सांसद लगातार रहे, 5 साल उससे पहले सांसद रहे यहाँ पर पवन बंसल जी, आप एक बात बताओ, क्या उन्होंने किया? क्या किसान के लिए पहले रेट क्यों नहीं बढ़ाया उन्होंने? उनके आत्मा तो वित्त मंत्री थे, रेल मंत्री थे, वो कुछ तो किया। चलो 10% बताता, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, लाल डोर की समस्या तक की, अलग रेगुलर आई की आम, ये आज की समस्या नहीं, ये पार्लियामेंट से होगा। एक बात मुझे बता, किसका घर गिरा, किसका मकान गिरा? कांग्रेस के सरकार के टाइम में, कांग्रेस जो यहाँ पर कांग्रेस का जिस टाइम केंद्र में सरकार थी, लोगों के मकान नहीं बनने दिए, लोगों के मकान नहीं बनने दिए। आज देख लो जाकर के क्या हाल हो रहा, किसी का घर मकान दुकान, किसी का किसी। लाल डोरे का फिर की कहे तुसी? लाल डोरे का एक कमेटी बना दी, हाँ जी, कमेटी एक बना दी, अभी वो सर्वे कर रही, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद हो जाएगा लाल डोरे का। आप लाल डोरा कह लो, पीला डोरा कह लो, हरा डोरा, जौन सा डोरा कहना आप कह लो, उसके बाद क्या नहीं हो रहा मुझे बताओ? क्या निर्माण नहीं हो रहे? कि लोगों के घर नहीं बने? आज चंडीगढ़ के लाल डोरे के अंदर 30% लोग हैं और 70% बाहर हैं, बाहर लोग बैठे। जो ये 5-6 साल हैं, इन साल जो मोदी जी की सरकार के 7 साल, मोदी जी सबको घर देंगे, किसका घर गिरा मुझे बता दो। चलो तुम कहते नहीं गिरिया, वैसे कार्रवाई हो रही है, बहुत बारी क्रिटिकल तौर पर रोकिया गई, पिछले दिन भी कार्रवाई हुई सी, रोकिया ने तुम मनो ना। अब तो कोई मजबूरी नहीं है, कोई राजनीति, अब कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है। छोड़ो हुण, कोई मजबूरी नहीं। 13 पिंडां दे विच पंचायतां खत्म हो गईयां जी, ठीक है जी। उदों बाद तुम पेंडू विकास कमेटियां बनाईयां, उन्हां दी रिपोर्ट दे आधार ते जां उन्हां दे दस्सण दे आधार ते तुम की कीता उदों बाद पिंडां दे विच 13 च? कौन सी रिपोर्ट जी?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਮੈਂ 70 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੀ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀ ਅਭੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਾਨਯ ਅਧਿਕਸ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ ਕੇ ਨੇਤਰਤਵ ਮੈਂ ਹਮ ਸਭ ਲੋਕ ਗਏ ਥੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਲਈ ਅਰੁਣ ਜੀ ਥੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਥੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਥੇ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਅਰੁਣ ਮੇਅਰ ਥੇ ਰਵੀਕਾਂਤ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾ ਹਮ 5 ਲੋਕ ਗਏ ਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ 27 ਮਾਰਚ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੇ ਲੋ ਆਪ ਕੀ ਆਪ ਯੇ ਲੋ ਨਾ ਯੇ ਮੇਰੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਮਾਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੀ ਇਤਨਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਬ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਦਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇ ਦਈਏ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਬਣਨਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਸਰ ਸਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਟੈਂਡਰ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਪੈਸੋ ਕੀ ਕਮੀ ਥੀ ਅਬ ਪੈਸੋ ਕਮੀ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਅਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿਓਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਵੋ ਤੈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਰਾਮਵੀਰ ਭੱਟੀ ਥੋੜੇ ਤੈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕੇਲਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਤੈ ਥੋੜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਲਿਬਰੇਟ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਭੀ ਗਰਭ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੇ ਇਤਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਇਤਨੇ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਹੋਗੀ ਔਰ ਜੋ ਜਿੱਤਣੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲੋ ਸੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਫੀਸਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਫੀਸਦੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਕੇਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸਕੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਮੰਡਲ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਕੀ ਬੈਠਕ ਹੋਗੀ ਉਸ ਮੈਂ ਬੈਠੇਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਹੋਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਐਤਕੀ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਕਲੀ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪਰ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਰਹੇ ਅਕ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਵੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਕਿਸਕਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਸਕਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਝੇ ਬੈਠਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇ ਉਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੋਈ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੋ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਬਤਾ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਯਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬਤਾ ਮੁਝੇ ਯਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਝੇ ਬਤਾਓ ਅਰੁਣ ਜੀ ਕੇ ਨੇਤਰਤਵ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਮੂਹਿਕ ਨੇਤਰਤਵ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਮੂਹਿਕ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੀਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਅਰੁਣ ਜੀ ਕੇ ਨੇਤਰਤਵ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜੋ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੰਨਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੀ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਸਾ ਹੈ ਦੇਖੋ 4 ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਐਸਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਪੱਕੀਆਂ ਹੈ 4 ਉਨਕੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਥੀ ਮੈਂ ਆਪ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੁਛ ਅਕਾਲੀਓ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰਦੇ ਅਟਲ ਜੀ ਥੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਥੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਥਾ ਆਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤਨੇ ਆਪਕੋ ਇਸ ਕਿਤਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਲੋਕੋ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਨਕੇ ਪੈਰੋਂ ਕਾ ਹੱਥ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਚੌਥਾ ਆਦਮੀ ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਅਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਪੈਰੋਂ ਕਾ ਹੱਥ ਲਗਾਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਕਹਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਊਲ ਜਲੂਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਉਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਪਸੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਸਮਝੇ ਕਿ ਖਾਸ ਹੋਦੇ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰ 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 ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡਲ ਸੇ ਨਾਮ ਆਏਂਗੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇਂ ਜਾਏਂਗੇ ਜੋ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਬੋਡੀ ਬੈਠੇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇਂਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਕੋ ਭੇਜੇਂਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਸਮਿਤੀ ਕੋ ਭੇਜੇਗਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਤੈਅ ਹੋਗਾ ਵਹਾਂ ਤੈਅ ਹੋਗਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਮਿਲੇਗਾ 13 ਪਿੰਡ 13 ਨਹੀਂ 23 ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਆਪ 13 ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ 23 ਕੀ 23 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ ਹਾਂ 23 ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੋ ਚਲੋ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਿਜੀ ਅਭੀ 13 ਤੋਂ ਨਏ ਹੈ ਨਾ नहीं हम तो 23 की बात करते हैं हम 13 की तो रही नहीं यानी कि आप 23 में देंगे आप पूरी प्रतिनिधित्व मिलेगी और आप उसमें आप पिंडा में क्यों बात कर रहे हैं शहर में भी प्रतिनिधित्व पूरी देंगे सुनिए आप गांव की बात क्यों कर रहा हूं दसो पिंडा की गल में इस करके कर रहे हैं किसी भी पार्टी ने पिंडा वाला इतराज रहा है कि सानू दरकिनार किया जाता नजरअंदाज किया जाता जे आप कहीए कितना कितने सारिया सियासी धिर प्रवासी वोट बैंक में ध्यान च रख के प्रवासियों आगुआं अगे कर रही है ये उन्होंने इतराज है दूसरा यह भी इतराज रहा है कि कितना कितने पंजाबियों भी नुकरे लाया जा रहा है पंजाबी भाषा को नुकरे लाया जा रहा है ये सारिया गल् है तो हूँ तुम यही गल है ना हूँ तुम चलो दसो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया पांच साल तुहानू हो गए पांच साल होने वाले हैं तुम मैं दसो मैं 13 की गल करदा पर तुम 23 की गल कर दो मैं ये दसो भी 23 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਸਰ ਸੁਣੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਕੈਂਬੜਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਕੈਂਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੰਗਪੁਰ मॉडल पिंड बनया वहाँ पर 7-8 करोड़ रुपया वहाँ पर लगा उसके बाद रायपुर कला मखन माजरा जो है ना मॉडल पिंड बनाने के लिए एक मॉडल पिंड बनाने के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें होगी थी सब कुछ टेंडर हो गया था बोल रहे हैं हो गया था हुई नहीं हो गया था पर इसी दौरान जो एक वैश्विक महामारी जो कोरोना है ये आ गई देश के अंदर भी आ गई चंडीगढ़ के अंदर भी आ गई फिर भी आप जा करके देखो इतने बड़े बड़े स्कूल बन गए अब इतनी बड़ी बड़ी स्कूल और बिल्डिंगें बन गई कि कांग्रेस के टाइम में किसी ने देखा ही नहीं गांव की तरफ कांग्रेस मॉडल पिंडा की गल करते हो बनते सी बनते बनते रह गए तुम ये क्या बट तुम डड्डू माजरे का दसो क्या डड्डू माजरा डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड बीमारी है ना कोई भी बीमारी आपको है या मुझे बीमारी आपको ना भगवान करे मैं अपने ऊपर लेता हूँ भाई साहब जो मेरी लंबी बीमारी चली आ रही अक लंबी बीमारी चली आ रही उसके चे उसका ऑपरेशन हो सर्जरी हो या उसका ट्रीटमेंट हो भाई साहब तो एकदम से थोड़े धीरे धीरे सारा कुछ होता है अभी वहां पर शुरू हो रहा है ना काम चल रहा है ना वो काम चल रहा है ना वो एकदम नहीं गल सुनो अच्छा पिछले 2 साल तो गल चल रही है स्मार्ट सिटी ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਫਲੈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ अपना बंद करके कोई होर सिस्टम बनाना सीगा ठीक है ना तो नवा प्लांट लगे उहदे विच ते ना कोई खर्च रोजाना कोई ना कोई उत्थे अग लगदी है कोई ना कोई प्रॉब्लम हुंदी है सारे आसे पास वाली पहला तां पिंडां वाले सी हुण आसे पास वाले सैक्टर वाले भी विरोध कर रहे हैं ये तुहाडे ध्यान च है या नहीं मैनूं नहीं पता सब तों कि ये जो प्रॉब्लम है कि नहीं पहला दसो प्रॉब्लम है कोई इनकार नहीं हैगी है ना जी कोई इनकार नहीं पर अपना की सब हल करने की सार हिस्सा तो ये है राजेश कालिया जी जिस टाइम मेयर थे क्या वहाँ पर वो उसका जो ये कूड़ा कचरा है उसको एक वहाँ पर दिया हुआ है ना किसी को दिया मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है अरुण सूद जिस टाइम थे उनके टाइम में बेंगलोर पुणे 3-3, 4-4 जगह जा करके डेपुटेशन यहाँ से गया और सर्दलिया डेपुटेशन गया यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गए वहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी सब इस टाइम की बात नहीं कर रहा पिछले कॉरपोरेशन के टाइम की बात कर रहा क्योंकि वो 2016 में थे सर्वे किया देखा वहाँ पर जो ये कूड़ा कचरा है कूड़ा कचरा इसका खाद कैसा बनाया जाएगा तो प्रोसेसिंग कैसा होगी इसकी सारा देख करके उससे पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं था उसके बारे में
नहीं उदू पहला भी तो पिछली टनोर के एक कमेटी बनी सी नीरा प्रोजेक्ट में लिया गया सीगा उत्थों जाके इहदा कोई हल करना सी पर उदों रह गया उदों अपने अरुण सूद जी कौंसलर हुंदे सी हुण इस नैक्सट टनोर के जदों भाजपा के हथ कमांड आई 16 में आ गए थे पिछले टनोर में जो लास्ट ईयर था उसमें अरुण सूद को मेयर बन गए थे अरुण सूद जी मेयर बन गए थे नहीं इस तो पिछली की भी गल करदा हूं पिछले की कर रहा मैं हां उदों ही 2016 सीगे अपना उदों कौंसलर सीगे बाद च मेयर बने जदों भाजपा की सत्ता आई है पहली बार ठीक है जी कांग्रेस तो बाद उदों ये गल चल पी सी बट हुण सत्ता आया आपां नूं 4.5 साल के करीब हो गए हुण आपां अपने हिस्से का की किया है भाई साहब किन्ने वारी गल होगी पर नहीं होया भाई साहब इतराज उन्होंने दा गवर्नर साहब भी उत्थे कई बार जाए मैं जो आपसे निवेदन करा कि प्लांट वहाँ लग गया जी जेपी प्लांट ने पहले जेपी प्लांट था जेपी ठीक है उधर बीच ही कुछ लग गया इब दूसरा लग गया दूसरी तरफ जाते राइट साइड जेपी प्लांट था लेफ्ट साइड वो लग गया जी जी पिछले दिन वहाँ पर आग लगी आग कोई पहली बार नहीं लगी वहाँ पर आग पहली बार नहीं लगी भाई साहब तो इस करके उनका काम प्रभावित हुआ उनका कह रहे मेरे ख्याल से करोड़ रुपये का उनका नुकसान हो गया तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पूरा लगी हुई है ये बीमारी जो उनसी 50 साल की बीमारी है अब आप कहोगे भाई 2 दिन में 4 दिन में हो जाएगी बस ऐसा नहीं लगे हुए हैं पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे मेयर रहते हुए कितनी बार वहाँ पर थोड़ी ईमानदारी तो किसी शक नहीं पर जो काम वो बोलते नहीं हम तो पिछले दिन ही जो नवे बदले गए प्रधान ने कांग्रेस के सुभाष चावला जी वो 2 बार मेयर भी रह चुके हैं वो चंगी तरह वाकिफ ने सारी कर प्रॉब्लम उन्होंने हर सैक्टर के हर कौंसलर के कोल जाके कहा कि ज्यादा साढ़े आह पानी के रेट घटाओ ठीक है जी जिहड़ियां चीज़ां बधाइयां ने उन्हां दा हल करो तो या इस्तीफा दे तुसीं की मानते हो सियासी स्टंट है हाँ बिल्कुल सियासी स्टंट है उसके बाद गवर्नर साहब के पास गए हम लोग गए गवर्नर साहब ने के पास उसको कहा जी जो पास होकर कहा गया उसको आप अप्रूव ना करो उसको तो गवर्नर साहब ने कहा जो चीज पहले थी वो एज इट इज रहेगी आपका एज इट इज रहेगी कोई पानी का रेट नहीं बढ़ेगा और यही कांग्रेस के लोग हाउस में समर्थन करते हैं ठीक है या जो एफएनसी की बैठक होती है उसमें समर्थन करते हैं और बाहर जाकर के उसका विरोध करते हैं ये कांग्रेस के लोग रेट तो बढ़े ना जी वो नहीं अब रेट को ही बढ़ने हो जाएंगे वो जो पहले थे वही रहेंगे उनका तो खाली उस सियासी ड्रामे के सिवाय और कुछ नहीं था उन्होंने कहा था जिस टाइम हम टैक्स फ्री कार पहुंच देंगे ये जो पार्किंग फीस किसने लगाई थी शहर के अंदर सबसे पहले पार्किंग फीस लगाने वाले कौन थे आज आप आपको हाँ। आप यही पवन बंसल जी आज गांव के और कांग्रेस के लोग गांव के ठेकेदारी की बात कर रहे भाई साहब पंचायतें किसने तोड़ी थी बताओ मुझे यही लोग थे ना पंचायतें तोड़ने वाले तो कांग्रेस के लोग थे इन्होंने पंचायतें तोड़ी सुभाष भाई साहब सुन लो आप सुन नगर निगम का शामिल पिंड तोड़े वाले 95 में कौन थे 95 के में सांसद कौन थे यहाँ के नहीं 95 तो बहुत पहले में भाई साहब ना आप बात करो पुरानी बात करो 95 में बड़ेल बढ़ेड़ी अटावा जी ठीक है और बुढ़ेल चार गांव जिस टाइम टूटे उस टाइम पवन बंसल यहाँ के सांसद थे ठीक है जी लास्ट दे 13 गांव तक किले तोड़े उसके बाद आखिरी 13 गांव उसके बाद 5 गांव टूटे 5 गांव की पंचायतें टूटी और उसमें तो बल्कि ऐसा मजाक करा गांव के लोग से उधर जिला परिषद के चुनाव ड्यू थे चुनाव हो गए मेंबरों के चुनाव हो गए चेयरमैन के चुनाव ड्यू थे 5 गांव फिर तोड़वाए थे और हम लोगों ने कांग्रेस मेयर सुभाष चावला तेरे पवन बंसल जी अंदर थे हाउस के अंदर हम लोगों ने उनको विरोध किया और गड़े करने चले गए जो टैक्स की बात कर रहे हैं ना अब जो टैक्स की बात कर रहे हैं जो ये जितनी पार्किंग फीस का है ना जो सबसे पहले कांग्रेस के लोगों ने किया चलो तुम्हारी गल मान ली भाजपा पंचायती राज के पक्ष है ना हाँ है ना फिर तुसी कहने 95 च उन्होंने पिंड तोड़े पर लास्ट 13 पिंडां दीयां 12 पंचायतां दा तुसी तोड़ियां भाई साहब पास हो करके गए थे ना पास तो वो करके गए थे सितंबर 2013 में अच्छा पर तुसी कैंसिल कर देंगे अब पास तो वो करके गए थे कैंसिल करने की थोड़ी पावर नहीं सी जिवें हुण तुसी पास करके गए हुण तुसी पानी दे रेट कैंसिल कीती है गवर्नर साहब ने गल की है ठीक है जी तो की तुसी वो भी कर सकते एक बात बताऊं क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई साहब और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पिछली सरकार निर्णय करते हैं ना वो निर्णय बदले नहीं जाते
ਅਕਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਜਾਤੇ ਬਾਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਸਾ ਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਸਲ ਜੀ ਲਾਸਟ ਉਹ ਥੇ ਮੈਂ ਸਾਂਸਦ ਥੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਮੈਂ ਉਨਕੋ ਰਿਜਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੜਿਆ ਥਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁੜਵਾ ਰਹੇ ਥੇ ਅਮਨ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਤਕੀ ਸਾਲ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ 5 ਕਰੋੜ ਆਤਾ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਅੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਥੇ ਸਭ ਅਖਬਾਰੋਂ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਜੋ ਯਹਾਂ ਕਡਵਾਈਆ ਰਹੇਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਚ ਮੇ ਹੈ ਟੱਚ ਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਔਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮ ਕਿਆ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰਲੀ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਲਉਂਗੇ ਜਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਿਕ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੜਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲਾਂ 13-14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਨਕਾ ਹਮ ਲੋਕ ਆਪਸ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 82,000 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਥੇ ਇਸ ਵਾਰ 17,000 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਨ 17 ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਵ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੇ ਉਨਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ 23 MLA ਇਨਕੇ ਬਣਾਏ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਥੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼ ਵਹਾਂ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਟਤੀ ਗੁੰਮੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਆਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ 8 ਧੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਤੇ ਹੈ 82,000 ਸੇ 17,000 ਵੋਟ ਪਰ ਸਮੇਟ ਦਿਆ ਉਨਕੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ 26 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 20 ਹੈ ਨਾ 20 ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ 20 ਹੈ ਨਾ 35 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ 35 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 35 ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਕੋ 96 ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਜੋ ਥਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਥੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਤਾਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦੂੰਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਥੀ ਇਨਕੀ ਜਿੱਤੀ ਥੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਥਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੀ ਵੀ ਇਨਕੇ ਵੋ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਕੇ ਕਿ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲ ਪਾਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬੈਂਠ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾ ਜੋ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਵ ਨਿਆਂ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਂ 96 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹਾਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 17,000 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂ 17,000 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ 17,000 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਆਸ਼ੀ ਥੇ ਚਲੋ 35 ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੰਮ ਹੋ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਚਲੋ ਚੜਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਗਨ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਸਾਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਸਾਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ ਕੇ ਨੇਤਰਤਵ ਮੈਂ ਹਮ ਸਭ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਸਿੱਧਤ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 30-30, 35-35 ਪੈਸੇ ਕਾ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਂਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਖਬਾਰੋਂ ਮੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਨਾ ਆਓ ਚਲੋ ਨੀਚੇ ਰਸੋਈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਕੁਸਚਨ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਐਤਕੀ
विकास का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, विकास का एजेंडा है ना भाई साहब, विकास की खास गल्लां की होनी है, सब कुछ होगा विकास का एजेंडा है, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। कांग्रेस के टाइम तो कितना वो सारा कुछ है, कोई कहीं पकड़ेगा, कोई कहीं पकड़ेगा, कोई कुछ खेलता है पकड़ेगा, कोई कुछ करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ना मैं व्यक्ति कहना चाहता हूं, चलो भ्रष्टाचार मुक्त, नेक्स्ट कर कोई लगू टैक्स होगा, विकास होगा ना, टैक्स लगू कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, पक्की गल है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलो तुसी कहने असि मॉडल पिंड बनाने लगे सी, वो कुछ गल्ला करके रह गया, तुसी मैनू ये दसो, वो तो भाई साहब आप सारी दुनिया में कोरोना करके ना सारी दुनिया में सारे काम ठप हो गए ना। चलो छोड़ो अपन नेक्स्ट एजेंडे पे, तुसी कहने पहला भ्रष्टाचार मुक्त, सैकेंड अपना कहते कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी, थर्ड तुसी मैनू दस्या सी कि पिंडां दे असि मॉडल पिंड बना रहे सी, वो रह गया ऐतकी, कोई दस दो एक नाम केड़ा पिंड मॉडल बनाउंदे सोचोगे जां कोई एक बनाओगे जे तुसीं आ जांदे हो भाई साहब। अब कोरोना में तो देख लो, इस कोरोना में जो लगे फिर भी सर पिंड वाले तो निकाल होंगे, गलत तो करनी पड़ी है ना। अब जो इस टाइम कोरोना में सबके सब लोग उलझे हैं, आज सबके सब लोग हमारे लोग तो सेवा में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हैं हमारे सबके लोग, पार्टी कार्यकर्ता आज हर किसी को देख लो। के कल मैं देख रहा था डॉक्टर त्रिहन को देख रहा था, और एम्स के जो डॉक्टर वो है क्या नाम डायरेक्टर है वो उनसे देखता का एक नहीं फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के काम में लगे, किसी को प्लाज्मा डोनेट करता, प्रधानमंत्री जी कह रहे गैस की व्यवस्था की कर रहे हैं, बताओ प्रधानमंत्री साहब कह रहे ने कोरोना की जंग जीतांगे, ऐ थोड़ी भी हर साल कोरोना ही अपने ते हावी रहेगा, अगले पांच साल आएंगे तुसी कहने असी बहुमत चाहवांगे, तो मैं तुहानू सिर्फ इक्को ही गल पूछ रहा जिहड़ा तुहाडा पिंड रह गया सी पिछले वारी, ऐसी कोई एक पिंड लाओगे मॉडल लाओगे ना, कह रहे कि पर ये बीमारी है, बीमारी वैश्विक महामारी है, खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर करेंगे ना, करेंगे ना, अभी नीचे वो टैक्स छोटा कोई नहीं लगना, कोई टैक्स नहीं, ठीक है जी। अब मेरे से वचन क्यों बरवा रहे, जरूरी है जी, कमाल की गल है, लोगों के प्रति तो कह दिया ना, कह दिया ना, ठीक है, जनता की जो भलाई के काम होंगे, अब जो जनता की भलाई के काम होंगे सारे काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चे सरकार अपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हाउसिंग बोर्ड ने जाति करी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी टाइम जाकर के वहां पर हाउसिंग बोर्ड के वहां पर, और आज कांग्रेस के लोग का होना है, आम आदमी पार्टी विपक्ष के लोग का होना है, जो काम उनका था करने का हमें वो भी करना पड़ रहा है, ठीक है। हम हाउसिंग बोर्ड के वहां पर जाकर 28 घंटे धरने पर बैठे जाकर के विड्रॉ करने पड़े उनको, जिस टाइम रजिस्ट्रियां कहा हम गाँव में रेड लाइन के अंदर रजिस्ट्री करें, हम लोग जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चंडीगढ़ की जनता के साथ, कोई भी जाति होगी, कोई ना कोई धक्का होगा तो हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इस करके कॉर्पोरेशन के चुनाव में सारी चीजों को देखते चंडीगढ़ की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जाहिर करेगी। सर ये सन श्री रामपुर भट्टी जी, जनरल सकत्तर चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा, उन्होंने बड़ी बेबाकी ने दसिया कि चंडीगढ़ म्यूनसिपल कारपोरेशन के भाजपा द्वारा बहुमत आएगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त कर मुक्त जिहड़ी कारपोरेशन होएगी वो चलाएगी, तो लोगों के मेन एजेंडे लेके जाएगी कि जिन्हां विच होएगा कि पिंडां दे विच पहला कि ना कि रह गए सी मॉडल पिंड बनाउण, चाहे कि कोई ना कोई एक मॉडल पिंड जरूर बनाउणगे जदों आउणगे, तो लोगों का विरोध चंडीगढ़ च बिल्कुल नहीं है, जिहड़ा विरोध हो रहा है विरोधी धिरां दे पैरवी ना हो रहा है, लोग इत्थों दे उहनां नाल ने। लगातार तुसीं वेखते रहो स्काई न्यूज़ पंजाब, हर दिन तुहाडे कोल मिलांगे नवें ना किसी सियासी लीडर नूं लैके।